सावन माह में बा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। दर्शन के पश्चात क्षिप्रा नदी में स्नान करने जरूर जाते हैं, किंतु इन दिनों रामघाट अंधेरे में डूबा हुआ है। सावन खत्म होने को एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और लोगों की यही मंशा रहती है कि सावन माह में बा महाकाल के एक बार दर्शन जरूर करें। दर्शन के पश्चात क्षिप्रा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करें, किंतु रामघाट क्षेत्र व दत्त अखाड़ा क्षेत्र में लगभग 7 दिनों से लाइट बंद होने के कारण किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को पानी की गहराई का अंदाजा न होते हुए उक्त व्यक्ति नदी की गहराई में जा सकता है, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय पंडित लोटा गुरु ने बताया कि विगत एक सप्ताह से लाइट बंद होने के कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में यहाँ पर लाखों में जनसंख्या रोज दर्शन के लिए स्नान के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर आज 7 दिन से पूरे रामघाट क्षेत्र की आप देख रहे हैं लाइट बंद है। यहाँ पर अंधेरा हो रहा है और नदी के अंदर भी अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? शासन से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ की सभी लाइटें चालू हो, यात्रियों का आवागमन में यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, चोरी जैसी घटनाएँ से भी बचेंगे लोग। यहाँ पर इंदारा लाइट चालू रहेगी तो